सो हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आयुष पॉइंट के 7 अगस्त 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और बात करें आज भी हम द हिंदू से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आप द हिंदू के साथ किसी और भी आर्टिकल्स का, किसी और भी अखबार का या और भी विभिन्न प्रकार के अखबार का एनालिसिस चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। उस हिसाब से हम आप सभी को उन सभी न्यूज़पेपर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आस्पेक्ट होंगे, आर्टिकल होंगे, उसको भी एनालिसिस करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल आज देखते हैं आज से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को। तो आज हम सबसे पहले आर्टिकल लिखेंगे, पहला आर्टिकल जो कि हमारे फ्रंट पेज पर ही दिया हुआ है, और ये आर्टिकल दिया हुआ है RBI कीप्स की पॉलिसी रेट्स अनचेंज, कि इसमें RBI ने अपनी पॉलिसी जो भी रखी है, जो पॉलिसी अपनी लाई हुई है, उसके अंतर्गत जो भी रेट्स थी उसको अनचेंज रखा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो बेसिकली हम अक्सर ऐसा कोई शायद ही हो जो RBI के बारे में जानता हो, लेकिन इसको फुल डिटेल्स की चर्चा आज हम इस सेशन के अंतर्गत इस आर्टिकल में, बाकी जो भी इश्यूज लिखे हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा RBI की फंक्शंस और RBI का जो एम है और RBI की जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है उनको समझेंगे और उनको तैयार रखेंगे। तो यदि बात करें RBI के बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए कि RBI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। यानी हम बात करें इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट था 1935 वाला, उसी के अंतर्गत इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। प्रारंभ में इसका जो केंद्रीय कार्यालय द सेंट्रल जो ऑफिस थी वो थी कोलकाता में। कहाँ थी? कोलकाता में। इसके बाद 1937 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया और मुंबई में, और फिलहाल में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही इस्टेब्लिश्ड है। यानी कि सबसे पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता में, और वर्तमान समय में इसका जो हेडक्वार्टर है जो कि चेंज किया गया था 1937 में, कहाँ? मुंबई में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि पहले यह रिजर्व बैंक जो है इस समय जो है वो पहले एक निजी बैंक था। क्या था? पहले एक निजी बैंक था, यानी पर्सनल बैंक था, किंतु 1949 में भारत सरकार का यह उपक्रम बन गया। और बात करें कि वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, और जो कि 4 सितंबर 2016 से कार्यभार को ग्रहण किए हुए हैं और अब तक चल रहे हैं शक्तिकांत दास। अब बात करें कि पूरे भारत में जो रिजर्व बैंक की कुल टोटल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, यानी भारत में जो पूरे RBI के जो ऑफिसेज हैं, क्षेत्रीय ऑफिसेज जो हैं वो हैं 29। और बात करें इसके फंक्शंस की, इसके कार्य की, तो इसके जो कार्य हैं वो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना, सबसे पहला इसका प्रमुख कार्य है बैंक के नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना, तथा भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि प्रारक्षित नीति रखना, तथा देश के हित मुद्रा व ऋण प्रणाली को परिचालन करना। यानी कि आप अभी इसको यदि समझ नहीं पाए होंगे तो व्यवहारिक भाषा में समझिए कि जो भी मौद्रिक नीति बनती है उसको तैयार करना, और जो भी मतलब कि मनी पॉलिसी बनती है, जो भी हर साल जो भी आपका फाइनेंस मिनिस्टर आप देखते हैं आर्थिक परिवेक्षण जो बनता है उसके अंतर्गत जो भी उसकी नीति बनती है, जो भी नीति बनती है उसको तैयार करना, उसका कार्यान्वयन करना और उसकी निगरानी करना, मतलब पूरा उसको मतलब कि उसको चारों पूरा इंस्पेक्ट करना, ये सभी कार्य किसके हैं? हमारे RBI का। बात करें नेक्स्ट की, तो वित्तीय प्रणाली का विनियमन और परीक्षण भी इसका एक प्रमुख कार्य है। और नेक्स्ट बात करें विदेशी मुद्रा का, ये प्रबंधन करती है, यानी कि जो फॉरेन करेंसी होती है उसको भी ये मतलब विनियमित करती है, और जो भी नई नई नोटें जारी होती हैं, नई नोटें जारी होती हैं और जब उसका परिचालन खराब हो जाता है, फिर नोटें काफ़ी मतलब उसमें सिस्टम कुछ गड़बड़ होता है, तो उस नई नोटों को नष्ट करना भी और उसका निर्माण करना, दोनों प्रमुख कार्य RBI का ही है। अब बात करें इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बैंकों का बैंकर। RBI को बैंकों का बैंकर भी कहा जाता है, और वही कहा ही जाता है। और बात करें कि मुद्रा के लेन देन को भी ये पूर्णतः नियंत्रित करता है। अब देखिए फिलहाल जब इस पॉलिसी के अंतर्गत बात करें तो जो इस आर्टिकल में लिखा गया है तो उसमें यही आप देखेंगे कि इसमें देखिए की पॉइंट कुछ दिए हुए हैं पॉलिसी परसेप्शन। तो इसमें बेसिकली आप ये सोचिए कि उसमें किया क्या है कि उसकी कई प्रकार की रेट्स होती हैं, कई प्रकार की दरें होती हैं। तो इसने क्या किया है, RBI ने अपनी एक क्रेडिट पॉलिसी पेश की हुई है 6 अगस्त को, यानी पिछले दिन RBI ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी क्या की है, पेश की है, जिसके अंतर्गत जो रेपो रेट थी वो
अनचेंज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यानी कि रेपो रेट थी हमारी 4%, तो वर्तमान में भी जो रेपो रेट है वो भी 4% है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि हमारे एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है, जो कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि एडिटोरियल पेज का जो पहला आर्टिकल है वो है ग्राउंड ब्रेकिंग। यानी ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है अभूतपूर्व। क्या होता है? अभूतपूर्व मतलब कोई ऐसा कार्य हुआ है हमारे भारत में जो कि अभूतपूर्व है। यानी कि बेसिकली आप सभी समझ चुके होंगे कि बात हो रही है राम एज श्री राम टेम्पल गेट्स अंडर भी। हम जानते हैं कि जो अयोध्या में हमारे जो भगवान श्री राम जी का जन्म मंदिर की जो भूमि पूजन की प्रक्रिया संपन्न हुई हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा, तो उसी के संदर्भ में एक आर्टिकल प्रस्तुत किया गया है एडिटर के माध्यम के, उसके प्रति जो ये मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसके प्रति प्रत्येक व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए और उसे किस प्रकार देखना चाहिए, इन्हीं सब बातों का डिस्कशन फिलहाल इस आर्टिकल में बेसिकली किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा है इस आर्टिकल के पहले स्टेटमेंट में। लिखा है एज द राम टेम्पल गेट्स अंडर वे इंडिया मस्ट पुट द पास्ट कम्युनल स्ट्रगल बिहाइंड। बड़ी ही अच्छी लाइन लिखी हुई है कि जो एज राम टेम्पल गेट्स अंडर वे मतलब कि बन रहा है या चल रहा है रास्ते में, तो बेसिकली इसका भावार्थ है, यही समझिए कि राम मंदिर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि वो बन रहा है, अंडर वे रास्ते में निर्माणाधीन है। अंडर मस्ट इंडिया मस्ट पुट द पास्ट ऑफ कम्युनल स्ट्रगल बिहाइंड। तो इस कंडीशन में आपको चाहिए पुट द पास्ट कम्युनल स्ट्रगल, कि जो भी पास्ट की यानी भूतकाल की जो भी पहले की पिछले जो भी कम्युनल मतलब सांप्रदायिकता या फिर जो भी समुदाय के हिसाब से एक दूसरे के प्रति जो भी स्ट्रगल था, जो भी संप्रदाय के हिसाब से जो भी स्ट्रगल था उसको बिहाइंड रखे। यानी कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो राम मंदिर अपने मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन के बाद अब बन रहा है, बनने के प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस कंडीशन में इंडिया को यही चाहिए कि जो भी पास्ट के कम्युनल स्ट्रगल थे, जो भी कम्युनल संघर्ष थे पिछले समय के भूतकाल के, उनको वो बिहाइंड रखे यानी पीछे रखे या फिर उनको छोड़ दे, तो यही अच्छा होगा इस कंट्री के लिए। यानी बात बहुत ही बेहतरीन लाइन कही गई है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को, नेक्स्ट स्टेटमेंट को। द भूमि पूजन आर द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रैंड टेम्पल फॉर लॉर्ड श्री राम इन अयोध्या ऑन वेडनेसडे। देखिए पिछले बुधवार हम जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जो है ग्रैंड टेम्पल बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है ग्रैंड टेम्पल, एक विशाल एक बहुत ही बेहतरीन मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, और ये जो है कहीं ना कहीं अपने आप में ग्रैंड सेरेमनी दिखा रहा है, ग्रैंड ब्रेकिंग सेरेमनी कहा जा रहा है इसको। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व सेरेमनी है, उत्सव है या फिर जो भी है। तो बेसिकली इस पहले स्टेटमेंट के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जो द भूमि पूजन है इसका भगवान श्री राम का जो कि अयोध्या में स्थित है, बुधवार को जो अयोध्या में स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि पूजन का जो पूजन हुआ वो एक अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व सेरेमनी था, जिसमें एक ग्रैंड टेम्पल का निर्माण किया जा रहा है। तो मार्क्स एन एंड एंड अ बिगिनिंग, तो इसको हम इस पूरे प्रोसेस को मार्क्स कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड एंड्स ऑन अ बिगिनिंग, किस प्रकार से एक प्रकार से समाप्ति और एक प्रकार से शुरुआत। यानी कि ये बड़ा ही व्यंग्यात्मक वर्ड कहा गया है, यानी इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, डीपली वर्ड्स है। इसका डिस्कशन नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में आपको मिलेगा कि लिखा है कि जो ये भगवान श्री राम का जो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है अयोध्या में, और इसके अंतर्गत एक विशाल और भव्य मंदिर बनाने की तैयारी अपने जोरों पर है, तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व सेरेमनी था और जो कि पिछले बुधवार को हुआ। तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग मार्क्स कर सकते हैं कि कोई चीज़ समाप्त हो गई और कोई चीज़ शुरू भी हो गई। तो ये दोनों बातें क्या हैं अगले वाले स्टेटमेंट में आपको पता चलेगा कि व्हाट एंड्स एंड व्हाट बिगिंस, यानी क्या समाप्त हो गया और क्या शुरू हो गया। कैन बोथ द इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज, इंटरप्रेटेड मतलब होता है व्याख्या करना, यानी कि क्या समाप्त हो गया और क्या शुरू हो गया, इन दोनों की व्याख्या हम डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, यानी अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे मतलब जिसको व्याख्या करने का जैसा सेंस हो। यानी कि बेसिकली इसमें बात कर रहा है कि हाउ इंडिया कलेक्टिवली मार्क्स मीनिंग आउट ऑफ इट्स विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री हेरियन। यानी कि हाउ इंडिया कलेक्टिवली मार्क्स मेक्स मीनिंग आउट ऑफ इट
विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री हीरियन। देखिए आपका जो हीरियन होता है हीयर इन हीयर ऑन कर सकते हैं हम हीयर ऑन, तो हीयर ऑन मतलब होता है यहाँ से, यहाँ से बेसिकली वर्ड यही कहा जा रहा है इस स्टेटमेंट में कि ये जो दोनों वेज हैं कि क्या व्याख्या करने के जो तरीके हैं वही बेहतरीन तरीके से कलेक्टिवली मेक्स मीनिंग, वही विशेष रूप से मीनिंग को डिफाइन करेंगे कि भारत का फ्यूचर क्या होगा। यानी कि देखिए आप इसको समझने का प्रयास करिए कि क्या समाप्त हो गया और क्या शुरू हो गया, तो इसको हर व्यक्ति के द्वारा खुद के द्वारा व्याख्या किया जाएगा। अब उन्हीं सभी की व्याख्या के अनुसार भारत का जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा, यही कहा जा रहा है कि आप व्याख्या उसकी किस प्रकार करते हैं। तो वन व्यूज इज दैट, इसका एक व्यू ये है दैट राइजिंग राम टेम्पल सिग्निफाइड द एंड ऑफ परसिव्ड ह्यूमिलिएशन ऑफ द हिंदूज एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फेज ऑफ देयर पॉलिटिकल एसेंडेंसी। यानी कि वो इसका पहला व्यू तो ये कह रहा है कि द राइजिंग ऑफ राम टेम्पल, जो राम टेम्पल श्री राम टेम्पल बन रहा है वो सिग्निफाइज द एंड्स ऑफ परसिव्ड ह्यूमिलिएशन ऑफ हिंदूज। यानी कि जो परसिव्ड मतलब आपका होता है समझना, क्या होता है समझना, अ ह्यूमिलिएशन मतलब होता है अपमान, कि जो ये राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है वो कहीं कहीं अपने आप में महत्वपूर्ण था, इसलिए क्योंकि ये अपने आप में द हिंदूज के लिए अपमान की बातें मानी जा रही थी। एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू, इट डिनोट्स द एंड ऑफ स्ट्राइफ दैट सेकल इंडियाज पोटेंशियल फॉर डिकेड्स एंड द हेराल्ड्स ऑफ अ न्यू डॉन ऑफ फ्रेटर्निटी एमोंग रिलीजियस कम्युनिटीज। यानी अब बात करें कि पहली बात तो ये कि ये एक प्रकार से जो मतलब कि जो मंदिर नहीं बना था या जो भी था, खुद के विचार मतलब एडिटर का विचार है कि ये अपने आप में द हिंदू ये मानते थे कि ये उनके लिए एक अपमान की चीज़ है, ये अपमान की चीज़ है। तो और जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग की अगर बात करें तो वो जो अपमान ये था एंडिंग, तो एंडिंग ये हुई कि उनकी जो भी अपमान का सिस्टम था वो कहीं कहीं समाप्त हो गया और बिगिनिंग हो रहा है, और शुरू क्या हो रहा है अ न्यू फेज, एक नया चरण ऑफ देयर पॉलिटिकल एसेंडेंसी, उनकी पॉलिटिकल एसेंडेंसी यानी कि राजनीतिक एसेंडेंसी मतलब प्रभुत्व, यानी उनके राजनीतिक प्रभुत्व का एक नया दौर, एक नया चरण स्टार्ट हो रहा है। यानी कि जो अपमानित द हिंदू समझते होते थे या फिर समझते थे कि द हिंदू मंदिर नहीं बन पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में समाप्त हो गया और पॉलिटिकल जो उनका राजनीतिक प्रभुत्व है वो अपने आप में स्टार्ट हो रहा है। द अदर इज दैट डिनोट्स द एंड ऑफ स्ट्राइफ दैट साइकल द इंडिया पोटेंशियल फॉर डिकेट्स। और इसके अगर बात करें दूसरा जो चर्चा की दूसरे मतलब बात करें दूसरे फैक्ट की, तो वो डिनोट्स करता है द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ इस आपका होता है कलह, एक प्रकार की कलह या झंझट या जो भी है। द साइकल्ड, साइकल्ड मतलब होता है उलझी हुई, इंडिया पोटेंशियल, इंडिया की पोटेंशियल मतलब इंडिया की एनर्जी आर डिकेट्स एंड द हेराल्ड्स। देखिए कहा जा रहा है कि जो इंडिया थी, अदर हैंड की बात करें तो वो डिनोट्स करता है कि जो भी एंड हो गया किसका, जो स्ट्राइफ एंड स्ट्राइफ दैट साइकल इंडिया पोटेंशियल फॉर डिकेट्स, कि जो भी इंडिया की एनर्जी, जो भी इंडिया का पोटेंशियल उलझा हुआ था, यानी उस कला में साइकल्ड मतलब होता है उलझा हुआ, कि इससे संबंधित जो भी एस्पेक्ट आते थे इसके अंतर्गत पूरा इंडिया जो है उलझा हुआ था, अपनी इंडिया की जो एनर्जी थी वो उलझी हुई थी इन्हीं सब बातों में, इन्हीं सब कला में। एंड हेराल्ड अ न्यू डॉन, डॉन मतलब होता है आपका सवेरा, क्या होता है सवेरा ऑफ फ्रेटर्निटी एबॉन्ग रिलीजियस कम्युनिटी, फ्रेटर्निटी मतलब होता है बंधुत्व, और इस प्रकार जब डिसीजन हो गया तो अब कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी एमोंग रिलीजियस कम्युनिटी, कि जो भी धार्मिक समुदाय हैं जो धार्मिक समुदाय हैं, अब उनमें कहीं ना कहीं आपसी बंधुत्व बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए, ये बात कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में। द एंड एंड द बिगिनिंग देयर फोर, कह रहा है कि जो समाप्ति और जो शुरू हो रहा है देयर फोर आर नॉट जस्ट ओपन टू इंटरप्रटेशन, कि जस्ट केवल आप खुली व्याख्या से इसको एक खुली तरीके से आप व्याख्या न करें या फिर इसकी खुली तरह से व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। दे होल्ड द पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंज, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप में पॉसिबिलिटी को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। फॉर दोज हु यर्न्ड फॉर अ टेम्पल एट द साइट विच दे बिलीव इज द एग्जैक्ट स्पॉट ऑफ श्री राम बर्थ, क्योंकि फॉर दोज हु ये उनके लिए बिलीव्स का सिस्टम था,
कि जो मानते थे कि जो टेम्पल है वो वही साइट है, ये वही जन वही स्थान है जहाँ पे लोग मानते थे कि यहीं पर लॉर्ड श्री राम का एग्जैक्ट बर्थ हुआ था, यहीं पे जन्म हुआ था। द जर्नी सो फार हैज़ बीन टुमल्चुअस एंड वायलेंट, कि जो भी लोग थे इसमें संघर्ष में, इसकी यात्रा में, जो मानते थे कि भगवान श्री राम का ये एग्जैक्ट जन्मभूमि है, तो उनके लिए ये जर्नी अपने आप में टुमल्चुअस एंड वायलेंस। टुमल्चुअस मतलब होता है कि उतार चढ़ाव, उलझन या जो भी है, और वायलेंस से पूर्ण हिंसात्मक, हिंसक और टुमल्चुअस उनकी ये जर्नी थी। कि जो लोग मानते थे, या फिर हम ये कहें कि राम मंदिर बनाने के रास्ते में जितने लोग ने मतलब की मेहनत किया, उनके लिए रास्ता कहीं कहीं अपने आप में वो हिंसात्मक था। अ मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप दैट स्टूड देयर इन 464 ईयर्स वाज डिमोलिश्ड 1992 टू मेक वे फ्रॉम द टेम्पल। और हम जानते हैं कि मंदिर बनाने के लिए 1992 में लगभग 464 साल पुराने मुस्लिम वर्क प्लेस ऑफ वर्शिप को डिमोलिश किया गया, यानी उसको गिरा दिया गया। द सुप्रीम कोर्ट आर्डर अ सीरियस क्राइम अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट आर्डर लास्ट ईयर, और इसी के दौरान पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक सीरियस क्राइम का भी दर्जा दिया कि एक इस एक्टिविटी को द साइट टू द हिंदूज, जो कि हिंदू के द्वारा देखने को मिली। द प्रोपोनेंट्स ऑफ द टेम्पल्स मस्ट कंसिडर द ओकेजन्स टू सीक कंसिलेशन ओवर कन्क्वेस्ट। देखिए, कन्क्वेस्ट मतलब होता है, कंसिलेशन मतलब होता है आपका समझौता। क्या होता है? समझौता। तो ये बड़ी अच्छी लाइन कहने जा रहा है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे कि द प्रोपोनेंट्स ऑफ टेम्पल मस्ट कंसिडर, कि जो टेम्पल का जो देखने का एक नज़रिया होना चाहिए, कंसिडर दिस एन ओकेजन टू सीक कंसिलेशन ओवर कन्क्वेस्ट, कि कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि कंसोलेशन ओवर कन्क्वेस्ट, मतलब कि कंसोलेशन मतलब कि इसको जो भी एक्टिविटी, जो भी रिजल्ट आया, उसको एक प्रकार का समझौता समझना चाहिए, ना कि कन्क्वेस्ट, ना कि विजय। और भी कह रहा है कि इसको एक डायलॉग समझना चाहिए ऑफ अ डायट्राइब। डायट्राइब मतलब होता है कठोर भाषा, इसको कठोर भाषा की जगह एक डायलॉग के रूप में देखना चाहिए। एंड द ट्रैंक्वालिटी ओवर ट्रिम्फेलिज्म, यानी कि और ट्रैंक्वलिटी मतलब होता है आपका शांति, और ट्रिम्फ मतलब होता है विजय। इसको हमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि विजयवाद के ऊपर शांतिवाद की भावना रखनी चाहिए, यानी ये ना समझना चाहिए कि हमने विजय किया, पूर्णतः शांति को बहाल करने वाली एक्टिविटी को ही करना चाहिए। तो ये बेसिकली इस आर्टिकल के संपूर्ण एस्पेक्ट थे, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।